अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे 5:30। फजर की नमाज मैंने पढ़ लिया है। अरे मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। देखिए और अभी जा रही हूँ मैं बाबू को उठाने के लिए स्कूल के लिए, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस सुबह कुछ भी मेरा बोलने का मन नहीं करता, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने कट करा था भिंडी की, रात को ही मैंने धो के वॉश करके रख दिया था, क्योंकि भिंडी गीली गीली हम नहीं कट कर सकते, वो ख़राब सा हो जाता है। तो फिर मैंने कट करके टिफ़िन में करके और फ्रिज में डाल दिया था। ये एक पराठा सीज़ा के लिए बनाया, और मैंने दो सिंपल रोटी बनाई बाबू के लिए, ना कि पराठा। सीज़ा के लिए पराठा इसलिए बनाया क्योंकि वो ना सब्ज़ी में नहीं खा पाती है, तो वो रोल कर देती हूँ मैं पराठे में, बिल्कुल हल्का हल्का सा दो दो पीस डाल करके। और ये बाबू के लिए मैं भिंडी के मैंने डाल, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि और फ्रूट में मैंने एप्पल डाल दिया है। और 3 बजे बाबू आता है, सुबह 6 बजे का गया हुआ। मॉर्निंग में अभी कुछ खा के जाता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ लंच ऐसा होना चाहिए, नाश्ता, जो इसका पेट भर जाए और हेल्दी भी हो। पर रोज़ रोज़ कहना कुछ समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं जल्दी जल्दी में उसके कंघी ना करूँ ना, तो वो ऐसे ही चला जाए। तो फिर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं इसका फेस पे और सर पे तेल वगैरह लगा देती हूँ। मैंने दोनों तरह के फ्रूट काट दिए थे कि बच्चों को जो पसंद हो वो खा ले। सीज़ा के बहुत नखरे, पपाया बिल्कुल अवॉइड करती है, मना ही करती है। सीज़ा उठ गई थी, उसको भी रेडी कर दिया था मैंने। और जितनी जितना काम होता है ना सुबह मेरे बच्चों को लेकर के, उतना मैं मोबाइल में नहीं कैप्चर कर सकती, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं आपको दिखा देती हूँ। कबूतर से मिलने जाइए, बता मैं इसका कबूतर है, देखो कहाँ बैठा हुआ है ना, पूरा रूम को गंद। कबूतर भाग भाग भाग। अच्छा आ जाओ, चलो आओ आओ। हालत देखिए, कंबल मैंने यहीं पे रखा हुआ है। हाँ, बेड की भी हालत देखिए, प्रॉपर सफाई करी है मैंने, झाड़ू पोछा, ये देखिए। थक गई हूँ इतनी, अभी फ्रिज की सफाई करनी बाकी है। आज मैं क्लीनिंग का ही काम कर रही हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। और ये रहा मेरा नाश्ता, पराठा, अंडा और भिंडी की भुजिया। और आप लोग भी आके नाश्ता कर लीजिए। डेढ़ यहाँ पे मैं फ्रिज को खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है प्रॉपर क्लीनिंग। तो ये मैं सारी चीज़ों को मैंने निकाल लिया है एक एक कर करके। और ये देखिए, मैंने घी उस दिन बताया था आपको कि मैंने कैसे इसको जमाया है। गाइस तो देख सकते हैं ये घी हमारा किस तरीके से जम गया, ये देखिए नीचे पानी है और ये ऊपर सारा घी आ गया है। तो इसको हम इस तरीके से कटिंग करके, देखिए पानी भी ऊपर आ रहा है, कटिंग करके और गैस पर पकाएंगे। पहले मैं कट कर लेती हूँ, और मैं साइडों से भी मैंने इसको ऐसे छुड़ाया है, और देखिए कितने अच्छे से ये हमारा घी ऊपर से निकल गया, देखिए। तो इसको मैं इस बड़ी कढ़ाई में रख दूँगी, मैंने हाफ हाफ कर लिया है कि इकट्ठा टूट ना जाए, देखिए। और ये रहा हमारा नीचे का पानी, इसको हम फेंक देंगे। मर्जी आप गुड़ के खीर बना सकते हो, कुछ भी, लेकिन मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, फेंक दूँगी इसको। सिर्फ ये रहा हमारा घी, इसको गैस पर चढ़ा के पकाएँगे। अगर लगे ना आपको कि है अंदर घी, तो इस तरीके से सिर्फ ऊपर ऊपर से ये ऐसे छन्नी से छानना, बिल्कुल ऊपर ऊपर का सिर्फ, ना के नीचे का, ये सारा घी ऐसे निकालना है, ये देखिए। तो देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा था ऊपर ऊपर, तो मैंने ये निकाल लिया। और कढ़ाई ना मेरी जल जाए इसलिए मैं इसको भी कट करके इसको नीचे करूँगी, बस इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। हम इसको लाइव दिखाऊंगे आपको, ये कैसे अपना घी छोड़ता जाएगा। देखिए घी निकलना स्टार्ट हो गया। चारों तरफ घी निकल गए, देखिए
इतना आसान है ना ये इस तरह से घी निकालना, मेरे को मेरी जेठानी ने बताया था ये तरीका। जब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ ऐसे ही घी निकालती हूँ मैं। देखिए आपको आवाज़ भी आ रही है बबल्स की, और इस तरीके से सारा अपने आप पिघलेगा, पूरा पिघल जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा पिघल चुका है ना, सबसे आसान तरीका। इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये पूरे अच्छे से पक ना जाए, धीमी आंच करके मुझे 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कि घी हमारा कच्चा ना रहे। गैस अभी ऑफ कर दिया, और ये देखिए कुछ भी इसमें वेस्टेज नहीं है, और ये देखिए प्रॉपर हमारा घी। अब इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। इसकी पूरी क्लीनिंग मैंने कर ली, देखिए रगड़ रगड़ के मैंने मांजा है पूरा, पूरे पल्ले वगैरह सब। किचन दोबारा से गीली हो गई है, अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करके, अब जा रही हूँ नहाने। और देखिए सब ऐसे ही फैला हुआ, फ्रिज का सारा सामान मैंने और यहाँ पे निकाल दिया है, ट्रे वगैरह धो के अंदर का सारा यहाँ पे रखा है। मिलते हैं फिर नहा धो के काम करके। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ, बड़ी आज मैं बिजी थी, क्या ही बताऊँ, आज फुल बिजी डे। और फ्रिज की मैंने पूरी सफाई करी थी, मैं कितने महीने से, मतलब 2 महीने से सोच रही थी करूँगी करूँगी करूँगी, पर ना 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा सोच के मैं दे नहीं रही थी। और देखिए मैं ट्रे वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि दूध बाहर है ना तो दूध ख़राब हो जाएगा। ओह माय गॉड, टूट भी ना जाए ये देखिए। तो मैं इसको डाल करके बाकी के सारे सामान रख देती हूँ, और सीजा को लाने का स्कूल से टाइम हो रहा है, तो सीजा को अब जा रही हूँ स्कूल से लाने के लिए। और घी भी मैंने निकाल लिया है, आप लोग को उस टाइम दिखाई थी, देखिए कुछ भी इसमें वेस्टेज नहीं है, बड़ी आसानी से ये वाला घी निकल जाता है। और बस मिलते हैं फिर स्कूल से आने के बाद। तो गाइज मैं गई नहीं सीजा को लाने के लिए, क्योंकि है ना फ़ोन करी कि भाभी मैं जा रही हूँ सीजा लाने, भाभी जा ही रही हैं, आयजा की मम्मी जा ही रही हैं और मैं भी जा रही हूँ, तो फिर आप किस लिए जाएगा, 3-3 लोग, मैं लेके आ जाऊँगी। और आयजा की मम्मी इसलिए उसका जाना ज़रूरी होता है कि आयजा रोती है कि मम्मा आप क्यों नहीं आए, तो वरना वह रह जाती है, मैं है ना चली जाती है ना, तो कहती है कि आप भी मत जाओ भाभी, मैं अकेले ही लेके आ जाऊँगी दोनों को, तीनों को। तो लेकिन नीचे आयजा की मम्मी जाती है, क्योंकि अब आयजा रोती है कि मम्मा आप आया करो, वो रोती तो ये भी आते के साथ बोली है मम्मा क्यों नहीं आई आप मुझे लेने, बहाना करना पड़ता, मम्मा की तबीयत ख़राब थी, मम्मा के पैर में दर्द हो रहा था, ये सारी चीज़ें मैंने बहाना करी। तो मेरे को थोड़ा सा सुबह इसी में थकी हुई थी इतनी, और जस्ट नहा इसी की वजह से मैं टाइम से नहाई थी कि फटाफट से काम करके नहा लूँ, लेकिन फिर भी टाइम से नहा लूँ कि ताकि ये स्कूल से आए तो मैं इसको टाइम दे पाऊँ, कपड़े चेंज करूँ, इसको सुलाऊँ, जो भी इसकी ज़रूरतें पूरी करूँ, वरना मैं काम में लगी रहूँ तो फिर बच्चे का ना ध्यान नहीं हो पाता है, बच्चे की केयर नहीं हो पाती है। तो आप बच्चे के स्कूल से आने से पहले नहाना धोना घर के काम सारे हो जाने चाहिए। और काम से याद आया कि काम कभी ख़त्म, उस दिन मैंने दोनों पंखा साफ़ करा, और वो वाला पंखा चलता है तो वो वाला पंखा फिर से इतना गंदा हो गया, ये वाला पंखा नहीं कम चलता है, तो ये वाले पंखे साफ़ है, मतलब इतनी डस्टिंग आती कहाँ से। मैं उस पर चढ़ के अलमारी के साफ़ करती हूँ, एसी के ऊपर मतलब उस पर चढ़ के मैं एसी के ऊपर कपड़ा डस्ट लगाती हूँ, टीवी के ऊपर का, फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंदगी है, कहीं ना कहीं गंदा है, और मैं परेशान होती रहती हूँ सफाई के लिए। तो क्या बोलूँ, अगर मैं तो 2 दिन तक भी काम करती रहूँ तो मेरे घर के काम काम इंसान के कभी ख़त्म नहीं होते। और ना करने, अगर आप ना करना चाहो तो एक भी काम नहीं मिलेंगे घर के, फिर आराम करती रहो, क्या ही दिक्कत है ना। तो काम ढूँढोगे तो बहुत काम मिलेगा, नहीं ढूँढोगे तो एक भी काम नहीं मिलेगा। तो बस यही है, और हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो संडे को ट्रेन है उनकी, सो हस्बैंड रहते थे तो थोड़ा काम और बढ़ जाता था, अभी थोड़ा कम काम था तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा काम निपटा लिया जाए। और खाना भी हमारा चढ़ा हुआ है गैस पे, लंच बन गया है, चावल में सीटी लग गई है, और दाल दाल को भी मैंने मिला लिया है, देखिए उसको मैंने चढ़ाया, गरम कर रही हूँ। हमने तड़के के लिए काटा है प्याज, आज मैं प्याज और जीरा का तड़का लगाऊंगी दाल में, लहसुन का नहीं लगाऊंगी। अब भिंडी की भुजिया सुबह बनाई थी तो इतनी सारी बची हुई है, तो बस दाल चावल बनाया। बाबू आने वाला है स्कूल से, क्योंकि 3 बजने वाले हैं तो स्कूल से आने वाला है वो। फ्रिज भी मैंने लगा दिया है, पर ट्रे वगैरह देखिए अभी मैंने अंदर का धो के रखा है तभी उसको लगाया नहीं है,
मैं ब्लॉग हॉरिजेंटल में अभी नहीं कर रही हूँ, अभी ऐसे ही कर ले रही हूँ। उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि बैक कैमरा से करते हैं और कैसे मोबाइल का डायरेक्शन कैसे पकड़ते हैं, तो वो मैं करूँगी। देखती हूँ कैसे करती हूँ, मेरे पास वो पकड़ने का भी नहीं है। और मुझे बैक कैमरा से समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब कैसे पकड़ना है ऐसे करके, ब्लॉगिंग कैसे करनी है। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो अभी मैं बड़ी वाली वीडियो भी ऐसी सामने से मैं बना के डाल दे रही हूँ। खा देखे, सीजा सो गई है स्कूल से आने के बाद। मैंने कहा कि सो जाओ थोड़ी देर, और सीजा सो गई। अब हाफिज़ जी का टाइम भी हो रहा है, 3 बज रहे, तो आयशा अकेले गई है। मैंने कहा आप चली जाओ, नहीं उठेगी आज। वैसे भी कलमा जुमरात है ना, तो कलमा सुनेंगे हाफिज़ जी, होमवर्क वगैरह नहीं देंगे। पर हमने कहा नींद भी उसकी पूरी नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया है। कल जुमा की वैसी छुट्टी, अब शनिचर से जाएगी। तो बस यही थी रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, ताकि मैं मुझे हौसला मिले कि मैं आगे बनाऊँ। कभी कभी मन करता नहीं बनाऊँ, सबकी बातें सुन के चीज़ें गलत है, नहीं बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं उस वे में चली जाती हूँ कि शायद से मैं गलत कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, क्या करूँ, मान लो सबकी बातें छोड़ दूँ मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे छोड़ना चाहिए या बनाना चाहिए, या मैं बना रही हूँ, सही बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब बस खाना भी बन गया और सीजा उठेगी, उसको खिलाऊंगी। बाबू भी स्कूल से 5 मिनट में आने वाला है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले हैंड कर दो, वरना वो कुछ बोलने नहीं देगा मुझे, इतनी बदमाशी करता है, आती के साथ परेशान करने लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।